So what's up guys and I'm back with the another video. So जो आज का वीडियो है वो टोटली एक डिफरेंट टॉपिक पे होने वाला है. आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं. अगर आपके साथ भी ये कन्फ्यूजन है कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, आपको सिर्फ इतना पता है कि मुझे सिर्फ बाइक लेनी है बट मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए कुछ भी नहीं मालूम, सो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक हो सकता है कि आप एक पर्सनल ओपिनियन से एक अच्छा डिसीजन ले सके खुद के लिए कि कौन सी बाइक सबसे बेस्ट रहेगी आपके लिए. सो अपन विदाउट फर्दर डिले सीधे स्टार्ट करते हैं वीडियो. थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बजट. अब हम घर लेते हैं, हम गाड़ी लेते हैं, हम हमारी लाइफ में एक्स वाई जेड कुछ भी लेते हैं, तो हम हमारे स्पेसिफिक एक बजट के क्राइटेरिया में वो चीज़ परचेस करते हैं. सो बिफोर गेटिंग इनटू द मार्केट, मार्केट में जाने से पहले, गाड़ियाँ सर्च करने से पहले, मेक अ बजट ऑफ योर ओन. मतलब आपने आपका बजट प्रिपेयर करना है और उस बजट के अंदर ही आपको गाड़ी सेलेक्ट करनी होगी आपके लिए. फॉर सपोज अगर आपका बजट है 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में, सो हमारे इंडियन मार्केट में 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में काफ़ी वेराइटी की बाइक्स आती हैं. आप सारी बाइक को ध्यान में रख लो, ये गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ियाँ मेरे बजट के अंदर हैं. उसके बाद आपके लिए एक क्राइटेरिया फिक्स हो जाएगा कि हाँ अब मुझे इतना नहीं, अब मुझे इतनों में से गाड़ी सिलेक्ट करनी है. सो द फर्स्ट पॉइंट वॉज द बजट. सो द सेकेंड पॉइंट इज रिक्वायरमेंट्स. अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बहुत टाइप की होती है. हमारी पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है, आपको नेकेड गाड़ी चाहिए, आपको फुल फेयर बाइक चाहिए, आपको सेमी फेयर बाइक चाहिए, आपको कंफर्टेबल बाइक चाहिए, कि आपको स्पोर्ट्स वाली बाइक चाहिए. ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि मेरी बाइक इस टाइप की होनी चाहिए और मेरी बाइक ऐसी दिखनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आपका बजट प्रिपेयर करो. बजट के बाद अब आप ये देखो कि जो मैंने बजट में फॉर सपोज़ 8 या 10 गाड़ी शॉर्टलिस्ट करी है, उसमें से मेरी रिक्वायरमेंट कौन कौन सी गाड़ी फिक्स कर रही है. सो द सेकेंड पॉइंट वॉज द रिक्वायरमेंट्स. एंड यस, रिक्वायरमेंट्स में उसके कुछ की पॉइंट्स हैं, लाइक लुक्स एंड कम्फर्ट एंड डिज़ाइन एंड एनी अदर एडिशनल थिंग अगर आपको गाड़ी के साथ चाहिए सो वो भी. सो द थर्ड पॉइंट इज इंजन कैपेसिटी या फिर CC जिसको हम बोलते हैं. अब आपने आपका बजट फिक्स करा, आपने आपकी रिक्वायरमेंट्स भी फिक्स करी, अब आपको चाहिए रहेगा डिस्प्लेसमेंट कि भाई मेरे को कितनी CC की बाइक चाहिए, और वो CC जो है वो डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट्स में. फॉर सपोज हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें लाइक 1.6 या 1.7 लाख तक की बात करें, तो आपने जो है एक लिस्ट बनाई कि मेरे को ना फुल फेयर बाइक चाहिए और मेरे को स्पोर्ट्स बाइक चाहिए. अब ये जो दोनों कैटेगरी हैं, ये R15 V3 भी फुलफ़िल करती है और बजाज की पल्सर RS भी फुलफ़िल करती है, लेकिन दोनों गाड़ियों में 50 CC या फिर 45 CC का डिफरेंस है. तो ये चीज़ आपको एनालाइज करनी होगी कि आपको कैसी बाइक चाहिए, आपको एक पावरफुल बाइक चाहिए या फिर आपको एक नॉर्मल बाइक चाहिए. R15 भी पावरफुल है, लेकिन नो डाउट वेरी पावरफुल बाइक, लेकिन बजाज पल्सर RS 200 CC बाइक है, R15 155 CC बाइक है. सो वहाँ पे जब आप दोनों गाड़ियों को चलाओगे तो आपको पावर डिफरेंस डेफिनेटली फील होगा. तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितनी पावर की बाइक चाहिए. अगर आपका ज़्यादा क्रूजिंग रहेगा, अगर आप हाईवेज के लिए बाइक ले रहे हो, आप राइड्स के लिए बाइक ले रहे हो, तो डेफिनेटली RS वुड बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि वो कम्फर्टेबल भी है, प्लस आपको 45 CC का एडवांटेज भी रहेगा उसमें. बट अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आपको लुक्स के लिए बाइक चाहिए, आपको स्टाइल के लिए बाइक चाहिए कि भाई ठीक है बस मस्त हो, स्पोर्टी हो और कंफर्ट नहीं भी हो ज़्यादा तो भी चलेगा, इंजन ज़्यादा नहीं भी हो तो भी चलेगा, तो आप डेफिनेटली R15 की तरफ जा सकते हो. नाउ फोर्थ पॉइंट एंड अगेन एंड क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एफिशिएंसी और माइलेज ऑफ द बाइक. अब जब आपने देख लिया, आपका बजट फिक्स हो गया, आपके रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल कर ली, आपने आपकी डिस्प्लेसमेंट भी या आपने आपकी इंजन कैपेसिटी भी फुलफिल कर ली, सो इसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है माइलेज. अब एक चीज़ हमेशा याद रखिए, क्यूबिक कैपेसिटी और इंजन कैपेसिटी इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइलेज. जितना ज़्यादा इंजन होगा, जितना ज़्यादा पावरफुल इंजन होगा, उतना कम आपको इंजन से एवरेज मिलेगा. सो ये जो तीन चीज़ें हमने डिस्कस करी, इन तीनों चीज़ों के साथ साथ ये जो एवरेज है, ये हम में से बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी मैटर करता है. सो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि जो बाइक मैं चूज़ कर रहा हूँ, मुझे उससे कितनी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज. अगर आप
चाहते हो आपकी बाइक एक अच्छा एवरेज दे तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा पावर के साथ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं एवरेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, मुझे पावर अच्छी चाहिए, तो फिर उसके लिए भी हमारे इंडियन मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं एंड यू कैन गो थ्रू देम। सो द फोर्थ पॉइंट वॉज द माइलेज, इकोनॉमी और द एवरेज ऑफ द बाइक। सो द फिफ्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज द रिलायबिलिटी और द लाइफ स्पैन और द लाइफ टाइम ऑफ द मोटरसाइकिल। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में काफ़ी लोग नहीं सोचते हैं, बट उन्हें ये चीज़ सोचनी चाहिए, क्योंकि आपकी बाइक कितना चलेगी ये आप पे तो डिपेंड करता है, लेकिन साथ ही साथ ये उस ब्रांड और उस कंपनी पे भी डिपेंड करता है लाइक जिसकी आप बाइक ले रहे हो। आपने कभी सोचा है यामाहा के इंजन ज़्यादा क्यों चलते हैं, होंडा के इंजन ज़्यादा क्यों चलते हैं? काफ़ी सारे लोग बोलते हैं यार इतना सही इंजन है, मेरी 8 साल पुरानी बाइक है, मेरी 10 साल पुरानी बाइक है। सी, हर बाइक चलती है और हर बाइक चल सकती है, नो डाउट, लेकिन इतने लंबे टाइम तक किस बाइक ने आपको कितना परेशान किया है चलने के साथ साथ, ये चीज़ भी डिपेंड करती है जो कि काफ़ी लोग नहीं सोचते। सो यहाँ पे रिलायबिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सामने आता है। अगर मैं बात करूँ 2010 की यामाहा की R15 जब आती थी वर्जन 1, सो मेरे को आज भी वो रोडों में, मतलब रोड्स पे वो गाड़ियाँ दिखती हैं। अगर आप साइड बाय साइड 2010 की R15 के साथ 2010 की किसी अपाचे को कंपेयर करोगे ना, आप जब उन दोनों गाड़ी को चलाओगे तो आपको एक्चुअली में डिफरेंस समझ में आएगा। द ओनली रीजन इज द इंजन रिफाइनमेंट एंड द इंजन रिलायबिलिटी। यामाहा की गाड़ी हो गई, देन होंडा की गाड़ी हो गई, ये जो जापानीज ब्रांड्स हैं इनका जो इंजन है वो काफ़ी रिलायबल होता है, काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हम उसको यूज़ करते हैं। यूज़ हम TVS के इंजन, बजाज के इंजन को भी कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि होंडा या फिर यामाहा की बाइक्स प्रॉब्लम नहीं देती हैं, हर बाइक प्रॉब्लम देती है। सो हर बाइक के अपने ही कॉन्स एंड प्रोज होते हैं। कंपनी के साथ साथ ये चीज़ भी सच है कि वो आप पर भी डिपेंड करता है। अगर आप भले यामाहा का इंजन चला रहे हो, अगर आप उसे अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करोगे आपकी बाइक जल्दी ख़राब हो सकती है। और वहीं आप कोई TVS या किसी और ब्रांड का इंजन चला रहे हो, आप उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हो, टाइम टू टाइम सर्विस करवा रहे हो, उसे अच्छे से प्रॉपर केयर कर रहे हो, तो हो सकता है आपकी वो बाइक ज़्यादा लंबे तक चल जाए बिना कोई प्रॉब्लम के। सो ये 5 पॉइंट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं आपके लिए जब भी आप मार्केट पे जाएं आपके लिए कोई नई बाइक लेने। सो दैट्स इट अबाउट द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब सर, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए मैं इस चैनल पे लाता हूँ। और साथ ही साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स, फैमिली या किसी भी रिलेटिव के साथ, क्योंकि हो सकता है दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू बाय अ न्यू बाइक बट स्टिल दे आर कन्फ्यूज्ड that for which bike they should go for. So this video would be definitely helpful for them. So I'll see you guys in my next video. Till then, take care, bye-bye and stay safe.